आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेड रोल है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये अंदर से कितनी क्रिस्पी है, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल क्रिस्पी बना है और अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखें इसका टेक्सचर, वाओ ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही अमेजिंग। आप इसे ज़रूर खाएं और बनाएं और बताएं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमें इसे बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, लेट्स स्टार्ट वीडियो। चाहिए वो ये है, हम ब्रेड लेंगे, ये आप देख सकते हैं, और ये पापे बिस्किट, इसको पापा बिस्किट बोलते हैं, और ये हमारा चाट मसाला 1 चम्मच, और ये कच्चा बादाम है, इसे मैंने एक कटोरी ले लिया। इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। उसके अलावा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये 2 हरी मिर्च है, ये थोड़ा सा धनिया पत्ता, और 1 बारीक प्याज मैंने चॉप कर लिया। अब ये हो गए हमारे, अब हम ब्रेड का कॉर्नर कट कर लेंगे। इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, आप किचन नाइफ से भी कट कर सकते हैं इजीली, आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। मैं सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आप बगैर कॉर्नर का भी बना सकते हैं, बट मैं इसे काट के बनाऊँगी। इस तरीके से काट लेंगे तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे प्लेट के स्लाइसेस जो है मैंने कट कर लिए हैं, और इसका हम चूर बना लेंगे। आप इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और इसे एक बिल्कुल चूर बना लें, बिल्कुल पेस्ट बना लें, या फिर आप इसे मिक्सर में पीस भी सकते हैं। मैं इसे हाथ के सहायता से आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से ये बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप चूड़ा बना लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इसे आप हाथ से ही चूड़ा बनाएं। मिक्सर में पीसने से बहुत ही फाइन पेस्ट बन जाता है, इसे हमें वैसा नहीं चाहिए, इसे थोड़ा दरदरा खुदरा चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए। चलिए ये हमारा तैयार हो चुका है कोट करने के लिए। ये मैंने 250 ग्राम आलू लिया है, इसे मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने हरी मिर्च, 1 प्याज और ये हरा धनिया पत्ता, ये सारे मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चाट मसाला 1 चम्मच मैंने लिया। आप नमक कम डालना क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से डालें। और इसे हम मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा आलू अच्छे से मैश हो चुका है, हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल के मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे जब तक हम इसे चना को फ्राई कर लेते हैं। चलिए हमारा कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब हम ये कच्चा बादाम डालेंगे, ऐसे फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्चे ना रहे। आप इसे हाई फ्लेम पे ना पकाएं वरना ऊपर से जल जाएंगे और नीचे से नहीं पकेंगे, तो इसलिए आप इसे लो टू मीडियम पे पका ले सकते हैं। मेरा बादाम चटक रहा है, आप देख सकते हैं हमारे बादाम का कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा और पका लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अभी हमारा कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसे ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। चलिए इसे निकाल लेते हैं, इसी तरीके से आप निकाल लें। तो आप देख सकते हैं हमारा बादाम फ्राई हो चुका है, अब हम इसे हवा के नीचे डाल के ठंडा कर लेंगे। आप गलती से भी गर्म आलू में ना डालें, ये गर्म बादाम आलू के अंदर ना डालें वरना आपका आलू जो है वो गीला गीला हो जाएगा। चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं।
ये हमने 2 मिनट ठंडा कर लिया, अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे से आलू में स्टफिंग में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। अब हमारा ये स्टफनी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे फिल कर लेते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। यहाँ अपना ब्रेड को डिप करने के लिए आप इस तरीके से डिप करें, हल्का सा ऊपर से डालें और हल्का सा नीचे से डालें, बस इसे ज़्यादा देर छोड़े नहीं, और अच्छी तरीके से आप इसे दबा दबा कर पानी निकाल लें। पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमने पानी अच्छी तरीके से सोक कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे अपना ये स्टफनी। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। ये देखिए अब हम इसे फिल कर लिए, अब हम इसे बंद कर देंगे। अब इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे बंद कर लें। ये हमारे ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में जाते ही, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हुआ। अब हम लेंगे ये अपना बिस्किट का चूर और इसके ऊपर डाल के इसे कोट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर लें और इसका फ्लेवर इतना बढ़िया आएगा खाने में, हल्का मीठा मीठा, वाह मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा निकाल लें, अब ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। तो मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें तेल डाल दिया है, इसे मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, बिल्कुल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसे कर देंगे मीडियम टू लो। ये मैंने मीडियम टू लो कर दिया, इसे हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारा जो ब्रेड रोल है वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो आप ये इस तरीके से पका लें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इसे ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 4 पीस डाले हैं और इसे 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम इसे अलट पलट के चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाते हैं, इसमें बहुत ही कम मटेरियल लगता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे अफ्तार में बना रही हूँ, आप भी इसे अफ्तार में बना सकते हैं, खा सकते हैं। इसे गोल्डन हो रहा है, इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक पका लेंगे। मैं इसे लो टू मीडियम पर ही पका रही हूँ, मीडियम टू लो। आप भी इसे बिल्कुल, हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे निकाल लेंगे, अब हम इसमें फिर से दूसरा बैच डाल देंगे। सारे हमने निकाल लिया, बाकी के बचे हुए जो है ये ब्रेड रोल, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सावधानी से आप इसके अंदर ऐड करें, आपके हाथ ना जले। ये देखिए मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ब्रेड रोल, ये दूसरा बैच भी बिल्कुल रेडी हो रहा है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, आप देख सकते हैं। अब ये काफ़ी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप ये देखिए मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता झटक के सारा ऑयल निकल जाए, इस तरीके से मैं एक एक पीस करके निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व करिए, इसे खाइए। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये बिल्कुल।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों फैमिली को सबको शेयर करें।